एक गांव में दो चटोरी बहनें रहती थी। वो रोज नई नई चीजें बना करके खाया करती थी। दीदी दीदी आज मेरा बिस्किट खाने का मन कर रहा है। कितने दिन हो गए हमने बिस्किट नहीं खाए। हाँ हर्षिता तुम सही कह रही हो, बहुत दिन हो गए। एक काम करो, तुम जाकर बाजार से ना बिस्किट बनाने का सामान ले आओ, अपन घर पे बनाएंगे। हाँ दीदी मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है जाओ तुम। ये लो दीदी मैं सामान ले आई। अरे वाह अर्षिता तुम ले आई। जल्दी से जाकर तुम दूध वाले बिस्किट बना दो। हाँ ठीक है मैं अभी बना कर लाती हूँ। ठीक है। आखिरकार अंजलि ने बिस्किट बना ही लिए, लेकिन बिस्किट बने साफ। हर्षिता देखो सात बिस्किट बने हैं, तीन तुम खा लो चार मैं खा लूंगी। क्यों तीन मैं क्यों खाऊं, तीन तुम खाओ चार मैं खाऊंगी। अरे बनाए तो मैंने है ना। अरे इतनी धूप में सामान लेने तो मैं गई थी ना बाजार। ओहो आई बड़ी महारानी, इतनी गर्मी में मैंने तो बनाए। ओहो इतनी मेहनत से गई थी मैं इतनी दूर पैदल चलकर, और खुद तो घर बैठकर खाना खा रही थी आराम से। तो बनाए तो मैंने है ना। लाई तो मैं थी। चल एक काम करते हैं। हाँ? एक शर्त लगाते हैं ठीक है, कौन ज्यादा देर तक सांस रोकता है, अगर जिसम जो भी हिला ना उसको एक बिस्किट नहीं मिलेगा। ठीक है चल चल चल। ये सात बिस्किट हैं, अपन शर्त रखते हैं 5 मिनट की, जिसने 5 मिनट तक सांस रोकी वो ये 4 बिस्किट लेगा और जिसने नहीं रोकी वो 3। ठीक है मुझे शर्त मंजूर है। फिर मत बोलना बाद में। ठीक है बेटा शर्त तो मैं जीत कर देखते हैं। देख 1 2 3 गो। उसी समय उन दोनों चटोरी बहनों की बुआ घर पर आ जाती हैं। हर्षिता अंजलि अंजलि हर्षिता, हे भगवान जी मौनियों को क्या हो लगता हुआ मर गई दोनों बुला के लाती हूँ गांव वालों। हे भगवान दौलत जोड़ी, अब इसका क्या होगा, ये तो भरी जवानी में ही दोनों मर गई। बेचारी तो उनकी शादी भी नहीं गई थी। ऐसा करते हैं दो बहनों की लाशों को ज्यादा देर तक घर में रखना ठीक नहीं है, इनको जला आते हैं। खा लेते हैं बेचारी, इतनी चटोरी है थी कंजनी पर चटनी घर में। खाओ घर की चीज है। अब कौन खाएगा? एक मैं भी खा ला हूं। क्या था मत बोल। नहीं तू भी खा ले। क्या हो गया भगवान ने इधर को बैठी हो वो अभी तो अच्छी थी बिस्किट खा रही थी। धैर्य रखो धैर्य रखो। चलो इन दोनों लाशों को उठा के जला आते हैं। चलो। इस तरह दोनों बहनें सांसें रोककर अपनी जान गंवा देती हैं और गांव वाले उन्हें जला आते हैं। ये गांव वालों ने हमें जला दिया ना, अब देखते हैं इन्हें रोक नहीं सकते थे हमको। इनके घर की चीजें उठा उठा कर खाएंगे। हाँ अब तो हम मर ही गए हैं, अब किसी को दिखाई तो देंगे नहीं। हाँ दीदी चलो अब चीजें खाने चलते हैं। चलो
मेरे पुंगे कहाँ गए? हाँ इसी में तो थे। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, और कहाँ गए मेरे पुंगे? पता है जब से उन दोनों बहनों को जला कर आए हैं तब से किचन का सामान ही गायब हो रहा है, कुछ भी नहीं रहता सामान, कुछ भी पता नहीं सामान कहाँ से गायब हो जाता है, कुछ भी चीज़ नहीं बची, इतनी सारी मैंने फूट लग रखे किचन में पता नहीं कहाँ से गायब हो गए, तुमको पता है क्या? अरे भैया मैं क्या बताऊँ, जब से वो इस दुनिया से गई है ना दोनों, मेरा तो जीना ही मुश्किल हो गया है और सारे गाँव वालों को तक जीना मुश्किल हो गया है, अभी दोनों बहनें ही परेशान करती हैं। बहन मैं अभी पुंगे खा रहा था ना, अचानक एक पता नहीं फोन उठा ले गया, अचानक ही गायब हो गए, खाते खाते ही गायब हो गए, बताओ तुम। जरूर भी दोनों बहनें होंगी भैया, जरूर भी दोनों बहनें होंगी, मुझे पूरा विश्वास। अरे सुना है गांव में जो तो चटोरी बहनें मरी थी ना, वो पता है उनके मरने के बाद से ही लोगों के घरों के खाने की सारी चीजें गायब हो रही है। बात तो मैंने भी सुनी थी। बड़ी मुश्किल से ना दूसरे शहर से ये नमकीन मंगाया है, जल्दी से खा लो नहीं तो वो बहनें खुशबू सूंघ कर ना आ जाए। नहीं सही बोल रहे हो तुम, जल्दी से खा लेते। टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, कितना मजा आ गया। पता है बहुत टेस्टी है ये, मैं मेरे मौसी के घर के घर से लेकर आई थी। हाँ बहुत मजा आ गया खाने में, है ना? ऐसा नमकीन और मंगाऊंगी। मंगाना मुझे तो भैया मंगा लेना। चलो देख लो मेरा नमकीन गायब हो गया। हे भगवान हमारी प्लेट कहाँ गई, कितनी मेहनत से यार, मैं दो दिन से भूखी हूँ, मैंने खाना तक नहीं खाया, कुछ भी खाने बैठती हूँ सारी की सारी चीजें चली जाती है, गायब हो जाती है। इतना स्वाद आ रहा था नमकीन में, ये गया था। अरे वही सब हमारा सब सही तो नहीं जा रहा, वो दोनों चटोरी बहने ही है, क्या करे। हे भगवान पेट के भूख के मारे पेट दुख रहा है। अरे क्या हो गया, तुम इतनी टेंशन में दिखाई क्यों दे रही हो? अरे भाई खाने की चीजें गायब हो गई, क्या करे, और तुम्हारी भी हमारी मेरे भी हो गई, अब उन चटोरी बहनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। सबक सिखाना ही पड़ेगा, वो पूरा उनका काम ही काम है ना ये। हाँ जरूर उनका ही काम है, वो ही कर रही है ये सब, लेकिन उनको सबक सिखाएं तो सिखाएं कैसे, क्या करें? देखो एक बात बताऊं, कान लाओ तुम्हारे, कान लाओ तुम्हारे, पूरे गांव के लोग परेशान होते हैं उनसे तो। अरे वाह, अरे वाह कितना अच्छा आइडिया है, सही बात बोला ना, ये आइडिया तो काम ही करेगा, यही करना पड़ेगा। आप देखो ठीक है तो चले वंदना, चलो चलते चलो अपन मिलके करते हैं। चलो हो गई सारे सामान की तैयारी, हो गई, चलो। वाह अर्षिता कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ चलो इस घर से आ रही है, चलो चल के खाते हैं। अरे वाह कितना अच्छा खाना है, चलो खाते हैं। चलो ठीक, कितना गंदा खाना है, कितना गंदा खाना है, मेरे दांत टूट गए, मेरा भी दांत टूट गया दीदी, मेरे दांत टूट गए, कितना गंदा खाना बनाया है ये गांव वाले, बहुत गंदे हैं, कितना गंदा खाना बनाया, हमारे तो दांत ही तोड़ दिए, हाँ लग गई, कितना गंदा खाना है, बनाते हैं ये गांव वाले, दीदी दीदी अब मुझे नहीं रहना ये गांव, चलो यहाँ से, पहले तो अच्छा बनाते थे अब तो कंकड़ डालने लगे। हाँ दीदी चलो मुझे, चलो चलते हैं। वंदना क्या हुआ, पता है खाना गायब नहीं हुआ, पूरा का पूरा खाना रखा हुआ है। क्या बोल रही हो तुम? लगता है हमारा है ना प्लान काम कर गया, हमारा वो दोनों की दोनों ना चटोरी बहन अपने गांव को छोड़कर चली गई। चलो अच्छा है अब से ना अपना खाना गायब नहीं हुआ करेगा, तुमने बहुत अच्छी न्यूज दी। हाँ चलो आज ना मैं बहुत सारी, अच्छा मैं एक पार्टी रख रही हूँ, पार्टी रख रही हूँ तो तुम दोनों मेरी पार्टी में जरूर आना शाम को, उसमें लस्सी गुलाब जामुन चमचम इमरती। अरे वंदना के मुँह में तो पानी आ गया,
मेरे को तो देख सुनते ही भूख लग गई। अच्छा अच्छा बिल्कुल जरूर आएंगे। ठीक है 6 बजे है जाना। हाँ ठीक है चलो मैं चलती हूँ। बाय। मैंने आलू की सब्जी बनाई वो पड़ोस को दे आऊंगा। हाँ ठीक है बाय बाय। चलो मैं भी इधर जाता हूँ। हाँ,